हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज है दिन मंडे और जो है मैं बना रही हूँ अरवी की सब्ज़ी। और इसमें मैंने जीरा और अजवाइन का तड़का लगा दिया, उसके बाद प्याज कट करके डाल दिए। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और उसके बाद फिर मैंने मेरे पास यहाँ कद्दूकस किया हुआ अदरक रखा हुआ था और डाल देंगे। इसके बाद थोड़ा सा हींग डाल देंगे। हींग अजवाइन तो अरवी में ज़रूर डाल देना, क्योंकि इससे अच्छा डाइजेस्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पे हम सारे मसाले डाल देंगे, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल देंगे। और इसके बाद इसको हम थोड़ा सा जो है मिला लेंगे, मिला कर भून लेंगे। और इसके बाद कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और उसको थोड़ा सा जो है भून लेंगे पानी डालकर धीमी आंच पे। तो सारे मसाले जो है भुन गए हैं मेरे। और इसमें जो है अरवी डाल देंगे। तो अरवी को मैंने पहले से ही जो है उबाल लिया था और इसको छील लिए थे। तो बस इसको डाल देंगे, ऐसा सिंपल सा सूखा सा बनाएंगे। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। आप इसको पूड़ी, पराठा, रोटी जिससे भी खाइए, बहुत अच्छा बनता है। आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो आज मैं जो है, आज मेरा पूरा दिन जो है लेजी लेजी सा गया, मतलब बीत गया, से आलस भरा दिन था। और थोड़ी सी जो है तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो आज मैं जो है खाना खिला के और फिर मैं सो गई 10 बजे। दिन में जो है 10 बजे से लेके 4 बजे तक सो गई। मतलब अजीब सा लग रहा था, बहुत जैसे आलस आलस सा लग रहा था, अच्छा ही नहीं लग रहा था, जैसे टाइम ही नहीं पास हो रहा था मेरा। तो बस अभी एक ही जगह रह रहे ना, मन होता है एकदम उदास हो जाता है, अच्छा ही नहीं लगता। और नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के साथ कब टाइम बीत गया, पूरा दिन पता ही नहीं चलता है। तो सक्षम नहा लिया था, लड्डू नहाया नहीं था। तो 4 बजे शाम को उठी हूँ तो इसको नहलाई हूँ, पूरा एकदम खेल खेल के एकदम गंदे से हो गए थे। और इसके बाद इन लोगों को दूध दे देती हूँ। तो जैसे ना तबीयत भी जो है ख़राब है और अच्छा भी नहीं लग रहा था। और मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है ना, दिन में गर्मी रहती, रात में ठंडा मौसम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, सर भारी भारी सा हो रखा था। वैसे तो ये लोग जब आते हैं तभी मैं चाय बनाती हूँ, मैं अकेले के लिए चाय नहीं बनाती। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत पीने का मन करता है तो बना लेती हूँ। तो बस वही अपना चाय रख दी। और बर्तन सारे वैसे पड़े थे, झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ था। तो मैं जब उठी हूँ तो फिर झाड़ू पोछा की हूँ। फिर उसके बाद सक्षम तो नहा लिया था, लड्डू को नहलाना था। बर्तन सारे किचन वैसे एकदम बिखरे पड़े हुए थे, तो फिर मैंने साफ़ किया और जो है सारे बर्तन जो है हम धुल लिए। उसके बाद थोड़ा सा जो है चाय पियेंगे। जैसे अजीब अजीब सा लग रहा था कभी कभी, वैसे होता है ना मन एक ही जगह रह रहे मन एकदम बोर हो जाता है, अजीब सा लगता है। तो बस ऐसे ही टेंशन हो रहा था मुझे और कुछ नहीं। और सोने के बाद फिर अजीब सा लगता है। तो बस आज मैं रात के खाने में जो है दाल बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं मिक्स दाल बना रही हूँ, मसूर और मूंग का और रहर का, तीनों मिक्स करके। तो यहाँ पे मैं जो है दाल को पकने के लिए चढ़ा देती हूँ थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी धनिया और नमक डालकर जो है इसमें सीटी लगा देंगे। और प्याज तो मुझे इतना लग रहा है कि क्या बताएं, तो ठंडा पानी पीना नहीं हो रहा है, वही नॉर्मल पानी पी रहे हैं, नहीं तो वही गर्म पानी करके रखे हुए वो पी रहे हैं। तो इससे ना मेरा प्याज बुझ ही नहीं रहा है। तो उसके बाद देखती हूँ, थोड़ा सा जो है तोरी बचा था, तो मैं आज तोरी की सब्ज़ी सिंपल ही बनाऊँगी। ज़्यादा तोरी नहीं है, थोड़ा सा ही है बचा। एक दिन मैंने बना लिया था तो थोड़ा सा 4-5 बच गया था, तो बस उसी को हम बना लेंगे सिंपल सा। तो यहाँ पे हम तोरी को धुलकर काट लेंगे। और वैसे तो मेरे यहाँ इसको जो है वो नेनुआ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हरियाणा साइड में नेनुआ को तोरी बोलते हैं। तो बस मैंने सिंपल सा जो है तड़का लगा दिया है, हरी मिर्च, प्याज और लहसुन का। और इसको डाल देंगे और थोड़ा सा जो है नमक डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे, बस। और कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा ही बनाएंगे। और इसको धीमी आंच पे छोड़ देंगे पकने के लिए। इसमें पानी जो है अच्छे से
जो है रिलीज हो जाएगा। तो मुझे सिंपल सा तोरी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, मुझे मसाले वाली बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, लेकिन इन लोगों को जो है मसाले वाली बनाना पड़ता है तो मुझे भी खाना पड़ता है। मुझे ज़्यादा है भी खाना बिल्कुल नहीं पसंद है। तो बस यहाँ पे जो है सब्ज़ी मेरी बन गई है, और उसी कढ़ाई में फिर मैं दाल फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जीरा हींग का तड़का लगा दिया, उसके बाद साथ में प्याज टमाटर हरी मिर्च लहसुन और अदरक को एक ही साथ चॉप कर लिए। अब इसको हल्का सा भून लेंगे और इसमें हम जो है सिंपल सा ही फ्राई करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, बस और कुछ नहीं। बस इसको हल्का सा जो है भून लेंगे। मैं ज़्यादा जलाती नहीं हूँ प्याज को, तो बस मैं सिंपल सा दाल भी फ्राई कर ली और सब्ज़ी मेरी बनी गई थी। अब मैं जो है डाल दूँगी चावल, तो डिनर में यही दाल चावल तोरी की सब्ज़ी और रोटी बना लेंगे। तो बस चावल मैंने डाल दिया है और दाल बन गई है। तो अभी रात के बज रहे हैं 9:30, तो बच्चों को पहले खिला देते हैं। दिन भर बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं ना, तो रात में जो है इन लोग को जो है खिलाना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि रात में लोग खाते नहीं हैं, पीछे पड़ना पड़ता है तब जाके खाते हैं। और सब्ज़ी तो बिल्कुल ये लोग नहीं खाते हैं, सब्ज़ी देख के लोग का मुंह बन जाता है। तो बस वही जो है, तो वो तो अपना किसी तरह खा लिया मुंह बना बना के, अब उसको जो है लड्डू को मुझे खिलाना पड़ रहा है। खाते ही नहीं हैं, दिन भर कुछ ना कुछ यही सब खाते रहते हैं, खाना बिल्कुल मन नहीं करता खाने का। तो बस इन लोग का खाना हो गया है, मैं भी खा लेती हूँ। तो अभी बज गए 9:30 रात को। पूरा मेरा किचन जो है बिखर गया है, अब इसको साफ कर लेते हैं। तो थोड़ा सा चावल बच गया है, इसको हटा देते हैं। थोड़े सा चावल बचा है, थोड़ी सी दाल बच गई है, इसको हम हटा लेते हैं। उसके बाद जब तक मैं काम करती रहती हूँ ना, तब तक वो जो है मैं एकदम बिजी रहती हूँ, बिल्कुल नहीं दिमाग में मेरे रहता है, कुछ सोचती ही नहीं हूँ। लेकिन जब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो है खाली बैठे रहो तो दिमाग में कुछ ना कुछ भरता रहता है है। तो और जब तक मैं काम करती हूँ तो एकदम फ्री रहती हूँ, एकदम कुछ सोचती ही नहीं हूँ। तो बस मेरे किचन जो है एकदम क्लीन हो गए हैं और बर्तन पड़े हैं, थोड़े से बर्तन को धुल लेते हैं। मेरे किचन एकदम साफ हो गए हैं। सुबह के लिए जो है मैं राजमा भिगा दे रही हूँ, तो क्योंकि कल जो है ट्यूसडे है, तो चाचा मेरे मतलब उनका व्रत रहता है, वो राजमा बिल्कुल नहीं खाते हैं। उसी दिन मैं बनाती हूँ जिस दिन उनका चाचा का व्रत रहता है, उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं है राजमा, तो इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। जब मंगलवार वो व्रत रहते हैं तब सुबह बना लेती हूँ। तो सक्षम तो सो गया है, ये मस्ती कर रहा है, अब इसको नींद नहीं आ रही मेरे बिना। जब तक मैं जाऊँगी नहीं तब तक ये सोएगा नहीं, जब मैं कुछ ना कुछ करती रहूँगी मेरे पीछे पीछे ये लगा रहेगा। तो बस मेरे काम जो है डन हो गए हैं, अभी रात के बज रहे हैं 10:30, और जब मैं सोने जाऊंगी तभी ये सोएगा, नहीं तो मेरे पीछे पीछे ही लगा रहेगा। और मौसम जो है बहुत मतलब चेंज हो रहा है, दिन में गर्मी रहती है रात में ठंडी। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, बच्चों को भी ख्याल रखिए, क्योंकि मौसम जो है जब चेंज होता है तब इसी में सर्दी जुकाम होता है, उसी में कोरोना वायरस चल गया है तो थोड़ा सा और डर भी लगता है लोग, किसी सिंपल सा बुखार भी जुखाम भी हो जाता है तो डर लगता है कि कहीं वो तो नहीं हुआ है, डॉक्टर के पास भी जाने में इतना डर लगता है। तो बस आप लोग सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए, और बस मैं जा रही हूँ अब सोने ब्रश करके। तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। तब तक मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।